as if we are. Yo, what's up guys, welcome to new vlog. तो यार तुम्हारा भाई लेकर आया फ्रेंच बुलडॉग के ऊपर व्लॉग. तो यार जैसे कि गाइस आपको क्वालिटी होती है ना, असली क्वालिटी, तो मैं आपको फ्रेंच बुलडॉग की क्वालिटी दिखाऊंगा. तो मेरे दोस्त के पास है फ्रेंच बुलडॉग, तो यार दिखाता हूँ आपको फ्रेंच बुलडॉग की क्वालिटी क्या होती है. तो गाइस आप देख सकते हैं ये आ गया फ्रेंच बुलडॉग. मेरे क्वालिटी में आपको बताना चाहता हूँ, तो क्वालिटी कैसे चेक कर देते हैं. तो पहली बात देखिए, आपके इनका साइज गाइस बिल्कुल छोटा रहना चाहिए, मतलब छोटा लगना चाहिए. तो मैं इसकी अगर इंचिस में हाइट नापूँ, गिनती सी मेरे हिसाब से 7 के इंच होएगी. तो आप देख सकते हैं, और इसका जो मज़ल का साइज़ है, मज़ल बिल्कुल अंदर को होना चाहिए, आप देख सकते हैं. तो गाइस ऐसे इसकी क्वालिटी है, और देखिए फेस देखिए कितना वो है. तो भाई यार ये 2 साल का होएगा है ना, डेढ़ दो साल का होएगा. तो देखिए कितना वो है. तो भाई ने ये इम्पोर्ट करवाया था है ना? नहीं, दोस्त ने इम्पोर्ट कराया था, हमने उससे लिया. हाँ अच्छा, तो दोस्त ने इम्पोर्ट करवाया था, तो उसका पप वगैरह लिया था, पप लिया था. आप देख सकते हैं ऐसी क्वालिटी का है. तो यार इसकी क्या बात है, क्या डाइट वगैरह क्या रहती है भाई यार इसकी? डाइट भाई 4 टाइम है इसकी. 4 टाइम मतलब वेज पर भी चल जाता, नॉन वेज के ऊपर भी? नहीं नॉन वेज नहीं डालते. नॉन वेज नहीं डालते, वेज में आप पनीर वगैरह डाल देते होंगे. हाँ, पनीर सोयाबीन ये सारी चीज़ें डाल देते हैं. इधर स्टार्च, तो स्टार्च है इसका नाम, स्टार्च नाम है इसका. बड़ा खतरनाक लग रहा है गाइस. आपका फेस देखिए, इसका फेस क्या कैसी क्वालिटी. वैसे मुझे फ्रेंच बुलडॉग के बारे में नॉलेज नहीं है यार. भाई ने मुझे कहा कि ये बढ़िया है, फर्स्ट टाइम ओनर के लिए बढ़िया. स्मॉल साइज ब्रीड आ जाती है, टॉय ब्रीड आ जाती है. तो भाई ने कहा बढ़िया है, क्योंकि भाई कर रहा है, शाय कर रहा है, तो भाई को भी लेकर आना था. तो मैंने सिंपल आपको दिखाने के लिए ये वीडियो बना दी है कि कैसी कैसी क्वालिटी आपको मिल सकती है फ्रेंच बुलडॉग के ऊपर. ऐसी क्वालिटी है फ्रेंच बुलडॉग में, आप ऐसे चेक कर सकते हैं अगर आपने भी फ्रेंच बुलडॉग लेना है. तो भाई ने मुझे कह दिया था कि फ़र्स्ट टाइम ऑनर के लिए ये बढ़िया ब्रीड है. तो आप देख सकते हैं कैसे बैठे हैं. तो यार गाइस मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है. तो एक्चुअली मेरे से गाइस स्मेल आ रही है सुल्तान की, तो मुझे देख कर ना थोड़ा सा अग्रेसिव भी हो जाता है. आप देख सकते हैं ऐसी ब्रीड आपको मिल जाएगी. तो यार अभी मैं बना रहा हूँ इंस्टाग्राम पर, मैं रील्स बना रहा हूँ इसको उठाकर. तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर देना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, क्योंकि गाइस मैं उधर मेंशन वगैरह कर देता हूँ पहले, आपको पता चल जाएगा. तो फॉलो ज़रूर कर देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा. तो यार मैं जाऊँगा उधर. तो नेक्स्ट व्लॉग आएगा गाइस कैनल के ऊपर. मैं नेक्स्ट व्लॉग में ट्राई करूँगा कैनल के ऊपर जाऊँ, और मैं उधर कैनल कवर करूँ. तो आप देख सकते हैं. अगर गाइस इसकी हिस्ट्री की बात करूं, बेसिकली गाइस इसका ओरिजिन फ्रांस नहीं है. इसे फ्रेंच बुलडॉग कहा जरूर जाता है, लेकिन इसका ओरिजिन फ्रांस नहीं है. बेसिकली गाइस ये बिलोंग करती है ब्रिटिश से, करती है ब्रिटिश इंग्लैंड से करती है बिलोंग. ये ब्रीड इंडिया में रेयर है, और आप एग्जॉटिक ब्रीड भी कह सकते हो इंडिया की. तो गाइस इसका प्राइस बताऊँ, तो मैं इसका प्राइस 25,000 से 70,000 तक पहुँच सकते हैं.